हाय, मैं हूं मोहित मुंजाल फ्रॉम directorsinvestments.com। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का नाम है एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। 865 करोड़ का इश्यू साइज है। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स यहां पे ऑलरेडी मेंशनड है, आप देख सकते हैं, एवरीथिंग इज हाईलाइटेड। अब क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें? क्या है ये कंपनी? आपने नाम सुना है। इस कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस इस वीडियो को एंड तक देखिए, एंड देन यू विल बी एबल टू एनालाइज क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी इन द ईयर 1999। ये कंपनी डील करती है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में। दे हैव एंड टू एंड कैपेबिलिटीज इन डिलीवरिंग बॉक्स बिल्ड सॉल्यूशंस इन इंडिया, फोकसिंग ऑन हाई वैल्यू प्रिसीशन इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स। कंपनी अपने टर्म्स में, अपने एरिया में, दे आर वन ऑफ द लीडर्स इन दैट सेक्टर। And they have a unique delivery model. Avalon offers a full stack product and solution suite, right from printed circuit board design and assembly to the manufacture of complete electronic systems to certain global original equipment manufacturers, including OEM located in countries like China, Netherlands, United States, and Japan. बहुत technical हो गया ना? बट ये टेक्निकल कंपनी ही है, इसलिए मैं ये जो आपको स्टेटमेंट बोला है सर, टेक्निकल मैंने आपको बोला है। बट इफ यू अंडरस्टैंड, दे आर एक्सपोर्टिंग टू दीज कंट्रीज एंड दे हैव गॉट ओईएम व्हिच इज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, सो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन व्हाट दे आर डूइंग। हमारे को थोड़ा सा समझने में टाइम लग रहा है, बट कंपनी अपने सेगमेंट में वन ऑफ द लीडर्स। कंपनी के स्ट्रेंथ क्या है? कंपनी का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो है, दे आर एंड टू एंड इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइडर, व्हिच मींस वन स्टॉप शॉप फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिजाइंस एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। ये आसान भाषा में हुआ, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट्स एन वन स्टॉप शॉप। इसके साथ साथ दे हैव हाई एंट्री बैरियर्स टू बिजनेस थ्रू द कलेक्टिव क्रॉस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, कस्टमर एंगेजमेंट कैपेबिलिटीज and leading position in the high mix flexible volume product manufacturing segment. Oops, but ye sab ke unki strength hai. Well diversified business leading to strong growth revenue. Bahut hi business spread hai jiski wajah se earning achhi hai. Global delivery footprint, jaise ki maine aapko bataya hai, ye export karte hain to global delivery footprints ki wajah se ye maintain karte hain high quality standards, and they have got advanced manufacturing facilities because they are much focused on global standards. Risk bhi hai, is company ka risk hai. Any increase in the cost of raw material will definitely impact the growth story, as well as unki costing badh jati hai aur kahin na kahin competition mein dikkat ho jati hai. इसके साथ साथ एनी डिले, शॉर्टेज, इंटरप्शन और रिडक्शन इन द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड मेजर प्रोडक्शन इनपुट्स टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट्स मे एडवर्सली इफेक्ट देयर बिजनेस एंड ऑब्वियसली देयर प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी के पास, कंपनी दो अपने सेगमेंट पे लीडर है, बट इसके साथ साथ दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, एंड अगर वो कंपनी उनके साथ कॉम्पीट नहीं करते हैं तो डेफिनेटली उनकी सेल्स में इम्पैक्ट हो जाएगा। So competition in the respective segment is huge, and not to forget, company ki dependence hai certain customers mein outside India, to wahan pe agar kuch supply chain mein ya kuch problem hota hai ya unke orders mein unke clients kahin aur chale jate hain, to unki profitability pe impact aayega. Profitability ki baat kar rahe hain to kya hum nazar dale company ke financials pe? Ji haan, company ke financials ye hai aapke samne. अगर हम देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज ऑन 31 मार्च 2020 को था 12 करोड़ रुपीस, जो कि 31 मार्च 2022 को हो गया 68 करोड़ रुपीस, मोर देन 5 टाइम्स। अगर हम रेवेन्यू देखें तो 653 था जो कि 851 हुआ है, तो रेवेन्यू ज्यादा नहीं बढ़ा है, इनका प्रॉफिट बढ़ा है। व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स कि इन्होंने अपनी कॉस्टिंग कम की, इन्होंने जो एडिशनल कॉस्ट करते थे वो कम किया है, रेवेन्यूज बढ़ाए हैं, बट कॉस्टिंग कम करके इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी पे ज्यादा फोकस किया है, व्हिच इज अ गुड साइन। टोटल बोरोइंग्स देखें तो 248 करोड़ थी जो कि बढ़ के होगी 294, बट सब्सटेंशियल ग्रोथ नहीं है, ओनली मार्जिनल ग्रोथ है,
तो नो प्रॉब्लम। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ को लाने का? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है दे डिड वांट टू प्री पे और रीपे सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी एंड वन ऑफ द मटेरियल सब्सिडियरीज दैट इज एवलॉन टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एंड नॉट टू फॉरगेट उनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए एंड थर्डली दे नीड द मनी फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। कंपनी के प्रमोटर्स कौन है? कंपनी के प्रमोटर्स है मिस्टर पुनमेद बीचा एंड मिस्टर भास्कर श्रीनिवासन। इतना कुछ बता दिया कंपनी के बारे में, फाइनेंशियल देख लिए, क्या करना चाहिए इस आईपीओ के बारे में। कंपनी का आईपीओ यूनिक है, इस आईपीओ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, थम्स अप फ्रॉम माय साइड, बट कितना? बहुत ज्यादा लॉट्स नहीं, 3-4 लॉट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5-6 भी कर सकते हैं। कंपनी का फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है एंड दे आर डूइंग वेल इन टू देयर सेगमेंट्स, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, बोरोइंग्स कम है, यूनिक मॉडल है, और क्या चाहिए। इस आईपीओ में आप जरूर इन्वेस्ट करें, बट ये ना सोचें कि लिस्टिंग गेन्स मुझे मिल जाएगा। लिस्टिंग गेन्स की मुझे कभी भी आशा नहीं दिखती है। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओ अच्छा है, लॉन्ग टर्म में आपको आईपीओ ही कमा के देगा। इसके साथ साथ मैं आपको रिस्पेक्टिव स्टॉक्स के बारे में भी बताता रहता हूँ। आप मेरी स्टॉक्स की वीडियो देखिए जहां पर मैं आपको रेगुलर अपडेट करते रहता हूँ कि आज आप ये स्टॉक खरीदे, आज आप ये स्टॉक खरीदे विद द विजन ऑफ अ लॉन्ग टर्म। आप मेरे साथ मेरे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े रह सकते हैं जहां मैं आपको स्टॉक्स एसआईपी के बारे में रेगुलर अपडेट करता हूं। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हां, डीमैट नहीं खोला अभी तक तो नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें एंड ओपन योर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बिना किसी चार्ज के।